ये देखिए जो पैर दिखा रहे हैं गौ माता की, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि कैसे जो है पांव जो है गौ माता का और वो निकला हुआ है। ये लर जो है गौ माता की वहाँ से नीचे से निकला है। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये पता चलेगा। ये देखिए ये पांव जो है गौ माता का है और ये विलक्षण बहुत अनुपम दर्शन है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े आस्था के संगम में मेरा प्रयास, मेरी कोशिश, हर वो झलक, हर वो दर्शन आप तक पहुँचे जो आप नहीं कर सकते हैं। देश में, दुनिया में, कहीं पर भी बैठे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से आप सब दर्शन करिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का मेला संगम के तीरे प्रयागराज में लग चुका है। एक एक झलकियाँ आप सबको ज़रूर दिखाऊँगा जहाँ तक आप सबकी नज़र पहुँचे और आप आस्था के सूत्र में बंध जाएं। यहाँ देखिए गौ माता का ये दर्शन आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा, मेला की शुरुआत हो गई है। और ये गौ माता आप सब अगर देखेंगे तो गौ माता के चार पांव होते हैं, खुर होती है, लेकिन ये पंचमुखी हैं, यानी पांच पांव हैं। तो महाराज जी जो साथ में मेला में लेकर टहल रहे हैं उनसे बात करेंगे कि कैसे पांच खुर गौ माता के आया और कैसे इनका श्रृंगार किया हुआ है। जी बाबा जी, क्या नाम है? मेरा नाम गंगानाथ गोस्वामी है। गंगानाथ गोस्वामी जी, अच्छा गंगा के नाथ हैं जी। अच्छा, अनाथों के नाथ, शंकर के पुजारी, शंकर के पुजारी गंगानाथ जी। जी, ये गऊ है पांच पैर की। अच्छा, जन्म की है ये जी, ये दर्शनीय चीज है। अच्छा, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था इनसे है जी, गौ से। बैतरणी पार गौ माता गौ से ही कराते हैं? नहीं नहीं, बैतरणी पार के सवाल अलग है सारे। ये जन्म इनसे के पेट से हुआ है। अच्छा, हिंदू धर्म का जन्म इन्हीं के पेट से हुआ है जी। तो ये धर्म है जी, कुल पूजनी है गौ हमारी, आपकी हिंदू धर्म का कुल पूजनी गौ होती है जी। सबसे बड़ा आस्था इनका होता है जी, जी। दर्शन करने से जी जी। आदमी जो पैर जरा दिखाइएगा बाबा जी, जो पैर कह रहे हैं, ये देखिए जो पैर दिखा रहे हैं गौ माता की, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि कैसे जो है पांव जो है गौ माता का और वो निकला हुआ है। ये लर जो है गौ माता की वहाँ से नीचे से निकला है। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये पता चलेगा। ये देखिए ये पांव जो है गौ माता का है और ये विलक्षण बहुत अनुपम दर्शन है। जो गौ माता का ये पांव दिख रहा है ये बहुत बिरला ही दर्शन है। और ये दर्शन जो है आप सब जब गंगा यानी यमुना सरस्वती के तीरे किनारे आएंगे तो संगम में आप सबको ये दर्शन मिलेगा। बाबा जी के पास गौ माता कैसे आई इसके बारे में पूछेंगे। बाबा जी कैसे आई? फतेहपुर से आई, हमारे पास एक महीना हो गया। फतेहपुर से? हाँ, जिनके अच्छा। पास था उन्होंने हमको दिया। एक महीने हो गया पहुँचा है। एक महीने? हाँ। तो आप यहाँ ले आए संगम तीरे? संगम पहले भी हमारे पास एक पांच गोल की थी, पांच पैर की, पहले 2001 में थी। अच्छा, मंदिर बनती, किले के अंदर बनती थी। अच्छा। दर्शनियों की चीज थी जी जी जी। हम लोग तो मंदिर पुजाने और पुजारी है। हाँ हाँ हाँ। अभी आई है तब इनको लेके घूमते हैं, घूमते रहे, कोई देता हाथ ले लेते, मांगते नहीं, जगह जगह घूम के मांगते हैं, वो काम हमारे पास नहीं है जी। बांध देते एक जगह खड़ी रहती है जी, जिनको देना दिया नहीं दिया जाओ भाई। दर्शन योग की चीज है गौ, दर्शन योग चीज है, ऐसी चीज दर्शनीय चीज है गौ है जी जी। अपने हिंदू धर्म का चीज है जी, इनका मानता बहुत होता है जी। लोग लात से मारते हैं। ऐसे भक्तगढ़ अगर आए तो किस जगह पर आप ज्यादा मिलेंगे? वो किलाली रोड पे रहता हूँ, किलाली रोड पे, जहाँ गौ माता का दर्शन हो जाए बस वही बांध के वही बैठता हूँ। किलाली रोड पर? ये किलाली रोड है, ये किलाली रोड है। अच्छा, किला वाली रोड है ना? हाँ, अच्छा हाँ, किला वाली, अच्छा हाँ, वाली हाँ, इसी पे मैं दुकान भी लगाता हूँ, बात अच्छा, नहीं अच्छा। तो अगर आप पांच खुर वाली पैर वाली अगर दर्शन करना चाहते हैं तो ये किला वाला रोड जो है वो बता रहे महाराज जी वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये जो है ये जो गौ माता का ये श्रृंगार है और श्रृंगार किया हुआ है, ये सिंह है, सारा श्रृंगार किया हुआ है। तो कुंभ माघ मेले
माघ मेले में आप सबको ऐसे बहुत सारे दर्शन होंगे। भारत वर्ष का एक पूरा मानचित्र आप सबको यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि यही हमारी मेला, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारे सनातन धर्म की गौरव और पहचान है। जी महाराज जी, ये सब तीर्थों का राजा प्रयाग है जी, सब हर तीर्थ का पाप यहाँ करता है, यहाँ का पाप किसी तीर्थ में नहीं करता, ये बद्री करता है जी, ये वेद शास्त्र कहते हैं जी जी जी, हर जगह का पाप यहाँ करता है, यहाँ का पाप बद्री है जी। भगवान इंद्र को जब लगा था गौतम जी शराब दिए थे, उनका पाप प्रयाग यहाँ पे कटा था, यहीं कटा था, अगर सकल का कट गया, मस्तक का नहीं कटा, मस्तक का नहीं कटा। गौतम पूछे जी कि ये है, तो गौतम ऋषि कहा ये तेरा कलंकित है, इंद्र भगवान से कहा ये तेरा कलंकित, ये नहीं मिटेगा, सब मिट गया जी जी जी। ये सब तीर्थों राजा प्रयाग बना गया है, यहाँ आकर जो है पाप जो है क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है, आस्था की दुखी जी जी, सकल पाप यहाँ करता है, यहाँ का पाप किसी तीर्थ में नहीं करता, ये वेद शास्त्र की गुनाह है जी जी, वेद शास्त्र कहता है जी जी जी। हम आप तो हिंदू हैं जी जी, गंगे दर्शनार्थ दर्शन करने से मुक्ति मिलती है जी जी, स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती जी, गंगा मैल नहीं धोना चाहिए जी, ये वेद शास्त्र की गाय, देखिए इतने अखाड़े आते हैं जी, स्नान करते हैं मैल नहीं धोते, मैल नहीं धोते, मुड़की मारे चुप्पे निकल निकल आए, मैल धोने से क्या ना, 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 गंगा को नहीं, गंगा को मैल ही नहीं करना चाहिए जी जी। बाबा जी धर्म हिंदू का जी, बाबा जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही है कि आप अगर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आस्था की डुबकी तो जरूर लगाइए, लेकिन इसमें मैल मत धुलिए, उससे पाप नहीं कटने वाला है। आस्था की डुबकी लगा के दान पुण्य करके और आचमन करके आपका पाप कटेगा। तो एक बार पुनः चलिए आगे ले चलते हैं, बहुत सारी ऐसी आस्था की झलकियाँ हैं जो आप तक पहुँचाने की कोशिश प्रयास करेंगे आप सबको।